जम्मू कश्मीर सरकार लीकर पॉलिसी में अमेंडमेंट करके अब आने वाले समय में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर और उसी की तरह के पदार्थ जो है वो बेचने की तैयारी कर रही है। इस पर ये कहा गया है कि जिन डिपार्टमेंटल स्टोर्स का 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है और 1200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा जिनका स्पेस है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे और वो सेल कर पाएंगे। इसके बाद जम्मू कश्मीर में उन अर्बन इलाकों पे इस पर बिक्री शुरू हो सकती है जो लोग इस पर आवेदन देना चाहते हैं। लेकिन इस पर लोग क्या कहते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग क्या कहते हैं, क्या प्रतिक्रिया है वो हमने जानने की कोशिश की और सरकार के इस निर्णय पर लोग क्या कहते हैं आइए हम आपको सुनाते हैं। सर क्या नाम है आपका? विमल गुप्ता। गुप्ता साहब मुझे ये बताइए, सरकार ने निर्णय लिया है, बाहर के राज्यों में तो हमने ये देखा है आमतौर पर कई जगह डिपार्टमेंटल स्टोर पर लीकर जो है वो मिल जाता है, अवेलेबल होता है। जम्मू कश्मीर में भी इसको लेकर कहा गया है कि जो 1200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा के बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जिनका एनुअली टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज़्यादा है वो इसको सर्व कर सकते हैं, क्या कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को? देखिए, एक तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि नशा मुक्त नहीं करना चाहते, ये अपना घर भरना चाहते हैं। आज डिपार्टमेंटल स्टोर जो 1200 स्क्वायर फुट है या 5 करोड़ की उनकी टर्नओवर है, इसमें नो ड्राइड है, नो कुछ भी नहीं होगा। जब चाहे बच्चा, पहले तो वो 9 बजे बंद हो जाते थे, आज वो रात को 11 बजे, इतने बड़े स्टोर 11-12 बजे तक घर से उठा आदमी तो शराब लेके आ गया। आज बियर अलाउ किया, कल विस्की भी अलाउ करेंगे ये। और मैं ये कह सकता हूँ कि ये इनके गवर्नमेंट के, जैसे हमारे में एक कहावत है खाने के दांत और दिखाने के, और इनके अलग हैं, वही कंडीशन है। ये दिखाते लोगों को बड़ा कुछ है कि समाज हमारा नशा मुक्त होना चाहिए, मगर ये नशे की तरफ धकेलने वाला ये बड़ा कदम है। मतलब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लीकर पॉलिसी में हर दिन कोई ना कोई बदलाव किए जाते हैं और हर साल का आजकल तो एनुअली कर दिया ना कि टेंडर होगा तो नए नए लोग भी इसमें आ सकते हैं और इसमें काफ़ी भारी मात्रा में रेवेन्यू सरकार इकट्ठा कर रही है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अगर बियर्स बेची जाएंगी, इट मीन्स कि सरकार अब इस ओर बढ़ रही है कि और ज़्यादा रेवेन्यू उनके पास आए। देखिए, मुझे पता है कि रात को अगर मैं कुछ खरीदने जाता हूँ डिपार्टमेंटल स्टोर से, अगर मुझे बियर मिल रही है इसमें, मैं तो वही खोल के पी लूँगा। आम आदमी को आप एक निशेड़ी बना रहे हो। अगर मैं जाता हूँ या आप जाते हो, कोई भी जाता है कोई सामान खरीदने, वो घर वालों को पता है कि ये दाल लेने गया, आटा लेने गया या चावल लेने गया है, बियर देखी, खोली और पी के घर आ गए, ना तो घर वालों को पता चला, मगर एक तो वो उसकी एक आदत बन जाएगी कि शराब के नशे में आज बियर से शुरू है, कल विस्की पे भी जाएगा। जम्मू मंदिरों का शहर है और क्योंकि अर्बन एरियाज में ही इसको ज़्यादातर लागू करने की बात की गई है, अगर मंदिरों का शहर है फिर जम्मू जो है वो देवी देवताओं का जहाँ ज़्यादातर देखा जाता है कि हमारे देवस्थान है, तो वहाँ पर अगर इस तरह का कल्चर आप ला रहे हैं तो सरकार आखिरकार किस और समाज को लेकर जाना चाहती है? देखिए, ये जिस एंगल की तरफ जा रहे हैं, ये मैं फिर बार बार वही कह रहा हूँ, ये नौजवान पीढ़ी का एक बिल्कुल तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। आपने जो बोला कि मंदिरों का शहर है, धार्मिक नगरी है, पवित्र स्थान है, आप क्या लेके आ रहे हो? हम तो ये चाहते हैं कि ये नशा मुक्त जो हैं भी हैं, शराब की दुकानें बंद की जाएं। एक गरीब आदमी का घर नहीं चलता जब वो शराब पीना शुरू कर देता है, बच्चों की उसके फीस नहीं निकलती, उससे कुछ नहीं होता। जब वो शराब पे शाम को 200-300 खर्च कर देगा, वो किसी को क्या खिलाएगा? ये तो जम्मू का एक बेड़ा गर्क करने वाली स्कीम है। और मैंने तो सुना है कि रात का ये ऑर्डर भी हो गया है, और इस पे मैं तो कहूँगा कि जम्मू को जागना चाहिए और इसके खिलाफ एक हेल्दी प्रोटेस्ट करना चाहिए, जो कि अच्छी बात नहीं है और जम्मू की ये तबाही की तरफ है और यूथ को ये बेड़ा गर्क करने वाली एक, क्या बताएंगे आप मुझे, क्या वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर पर किस एज तक मुझे विस्की बियर मिलेगी? अगर मैं ही अपने बेटे को भेजता हूँ, जाओ ले आओ यार बियर मेरे लिए, तो रात को 11 बजे भी जाएगा, 10 बजे, मैं क्या सिखा रहा हूँ अपने बेटे को कि शराब ला के मुझे दो? और ये आम हो जाएगा कि जैसे बच्चे को दाल लेने भेज दिया, बियर लेने भी भेज दिया, क्योंकि पता है मिल। और ये सारे जो आप बोल रहे हो 12,000 स्क्वायर फीट 5 करोड़ की टर्नओवर, वो रूरल एरिया गांव की तरफ नहीं होगा, सब शहर के अंदर है। यहाँ पे ऑलरेडी नशा इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, आप देखिए हर गली हर मोहल्ले में आपको नशेड़ी मिल जाएंगे और सोने पे सुहागा। और जो ये गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है, ये हमारे जम्मू का और ये पवित्र नगरी का, एक मंदिरों के शहर का अपमान कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, वो इसको लेकर क्या कहते हैं। समय लिंक रोड पे हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता, लिंक रोड ट्रेड एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। गुप्ता साहब, जिस तरह से ये ऑर्डर निकाला है, आपको क्या लगता है सरकार किस ओर जा रही है और जम्मू को क्या विदेशों की तर्ज पर लाने की कोशिश की जा रही है? ये तो कोशिश कर रहे हैं कि विदेशों में आए, मगर पोजीशन ये है कि हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं,
आगे ही बच्चे नशे के दुल में जा रहे हैं, तो इससे और ज़्यादा बच्चे खराब होंगे। हम तो यही कहेंगे हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से कि ये ऐसा काम मत करो कि डिपार्टमेंटल स्टोर पे आप जो डाल रहे हैं प्रीवेंट स्टोर वो मत डालो, बीयर जेल का नशे को मुक्त करो। हम तो यही कहेंगे कि नशे से पीछे हटाओ बच्चों को। एक और सरकार जो है वो नशा मुक्ति की बात करती है और कई सारे अभियान चलाती है, दूसरी ओर डिपार्टमेंटल स्टोर में ही अगर बियर जैसा पदार्थ मिलना शुरू हो जाएगा, इट मीन्स कि ये तो समाज में और ज़्यादा इसको फैलाने की, इसको तो और ज़्यादा बढ़ापा मिल रहा है, ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, हम इसका विरोध करेंगे। विरोध करेंगे और इसको लेकर अलग अलग व्यापार मंडल से हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात सरकार किस ओर जम्मू को लेकर जा रही है, ये सवाल उठता है। रीना जी, सरकार ने जो कदम लिया है कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी बियर जो है वो बेची जाएगी, जम्मू किस ओर जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जम्मू जिसे हम मंदिरों का शहर बोलते थे, आज जो ये सरकार के मौजूदा फैसले, जो ये सरकार अंधाधुंध लिए जा रही है यहाँ के युवा को ख़त्म करने के लिए, यहाँ के लोगों को ख़त्म के लिए, तो वो दिन दूर नहीं जहाँ जम्मू कश्मीर जम्मू का नाम काट कर मधुशाला बोला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पहले तो सरकार ने कितने सारे शराब के ठेके खुलवा दिए, अब शायद सरकार का उससे भी मन नहीं भरा या उससे भी जेबें नहीं भरी, तो उन्होंने नया एक और चोचला निकाल दिया कि आपको ग्रोसरी स्टोर या डिपार्टमेंटल स्टोर से भी अब वाइन मिला करी। अब आप खुद मान सकते हैं, एक महिला जो अपना बच्चा भेजेगी कि आप डिपार्टमेंटल स्टोर से जाके बेटा दाल ले आना, सब्जी ले आना, और बच्चा कहीं कोल्ड ड्रिंक की जगह बियर उठा के पी लेगा, तो उस छोटे बच्चे या उस अधेड़ उम्र के या कम उम्र के बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, तो इस तरह के एक एग्जाम्पल देकर आपको बताना चाहूँगी। पहले शायद युवाओं को शर्म आती थी ओपनली वाइन शॉप में जाने में दारू लेते हुए, तो अब ईजिली वो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे कोई भी आइटम लेने के लिए, तो आप साथ में बियर आपको ईजिली मिल जाएगी। तो सरकार ये जो गंदी चालें चल रही है यहाँ के युवा को ख़त्म करने के लिए, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये बहुत ही भद्दी और बहुत ही घटिया राजनीति जो सरकार कर रही है, तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। तो इस तरह के फैसले लेने से पहले सरकार को 10 बार सोचना चाहिए और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो महज अपनी जेबें गर्म करने के लिए किसी भी राज्य के या किसी भी देश के भविष्य के साथ खेल रही है। नशा मुक्ति अभियानों का क्या, जो वो चलाते हैं सरकार की नशा मुक्ति के लिए, ये तो फिर उसी तरफ ढकेलने की बात होगी ना, कि शुरुआत बियर से करेंगे, आगे फिर और हार्ड अल्कोहल भी कंज्यूम करना लोग शुरू कर दें। ये नशा मुक्ति अभी एक महज सरकार का एक दिखावा बनकर रह गया, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या और भी कई सारी स्कीम्स या और भी कई सारे प्रोग्राम्स सरकार लॉन्च करती है, बट ऑन ग्राउंड एप्लीकेबिलिटी कुछ नहीं होती। एक तरफ आप नशा मुक्ति के नाम पर सरकार से फंड इकट्ठा करते हो, उसको कहाँ लगाते हो उसका कोई हिसाब नहीं है, दूसरा नशा बढ़ाने के लिए आप और तरीके ढूंढते हो, तो ये बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्टी, बहुत ही मतलब जस्ट ऑपोजिट ऑफ जो आप कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, आप कहते कुछ और करते कुछ हैं, तो इस ये चीज़ें जो हजम नहीं हो रही, और लोग आज भलीभांति जानते हैं कि सरकार क्या करी, ये बहुत गंदी राजनीति करी है यहाँ के युवा का दिमाग ख़त्म करने के लिए, ये कि युवा को ख़त्म कर लेगी यहाँ के बुद्धिजीवियों को बुद्धि नष्ट करने के लिए। धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात करते हैं, वो क्या टिप्पणी रखते हैं। मेरे साथ अतुल शर्मा है, जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं। अतुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सरकार के इस निर्णय पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सबसे पहले जय श्री राम। देखिए, जैसे कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा हमेशा धर्म कर्म के कार्यों को जम्मू में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध रही है और करते भी रहे हैं। एलजी सरकार का ये जो निर्णय था, आज तक एलजी सरकार अच्छा कार्य कर रही है, बट नशे को, इस लिकर को, शराब को लोगों के डोर स्टेप तक पहुँचाना मेरे ख्याल से ये चीज़ अच्छी नहीं है। और जो आजकल का जो नवयुवक है, जिस तरह से आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और लिकर को डिपार्टमेंटल स्टोर तक पहुंचाना एक बड़ा मेरे ख्याल से अच्छा काम नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। आप उसको जहां तक आपने उसके पहले तो आपने ठेके हर जगह खुलवाए दिल्ली की तर्ज पे, वहां पे भी जम्मू वो रहा। अब आप जहां पे, जैसे कि आपको पता है, माताएं बहनें डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती हैं, वहां पे अब ये चीज़ें भी बिकने लग जाएंगी, तो उनका भी कहीं ना कहीं पे उनके लिए भी एक बड़ा एक सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि अब यहां पे जाएं या यहां पे जाएं या यहां पे जाएं कि नहीं जाएं। वहाँ पे अजीब अजीब, आपको पता है, अजीब अजीब वहाँ पे अब लोगों का अप्रोच करना शुरू हो जाएंगे। यहाँ ठीक है, इसको और अर्बनाइज करिए जम्मू को, आप वेस्टर्न कल्चर आप लाइए, बट इतना भी मत लाइए कि जो हमारे जम्मू की अपनी संस्कृति है आप उसी को नष्ट कर रहे हैं। इससे मेरे ख्याल से जो जम्मू की अपनी संस्कृति है, जैसे जम्मू को मंदिरों का शहर बोला जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं जम्मू में जो मंदिरों का शहर है, जो वातावरण, जो भक्तिमय वातावरण जो होता है, उस पर कहीं ना कहीं ये चोट आएगी। अगर हम बात करें, क्योंकि सरकार शायद
ज़्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए स्टेप ले रही है। आपको लगता है कि अगर पंजाब में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं, तो जम्मू कश्मीर में क्यों? बाकी बड़े भी राज्य भी हैं क्या? अभी जम्मू कश्मीर मेट्रो शहरों की तर्ज थोड़ी आ गया हुआ है। देखिए बिल्कुल, आपने हनी जी आपने बिल्कुल सही बोला है, ये अभी तक हिमाचल में नहीं है, पंजाब में नहीं है ये चीज़ें। और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है पेट्रोलियम और एक्साइज, तो हमेशा बहुत बड़ा रेवेन्यू का एक सोर्स रहता है गवर्नमेंट के लिए। बट इसको इतना भी ज़्यादा पैसे के लालच में अंधा नहीं होना चाहिए कि इसको आप लोगों के एक डोर स्टेप तक ही पहुँचा दो। जैसे वो दिल्ली में अभी केजरीवाल कर रहा है, उसको भी लोगों से कितनी गालियाँ पड़ रही हैं, वो भी हर जगह ही उसने स्टोर खुलवा दिए। तो वो एक मेरे हिसाब से जो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, बच्चे आजकल आपको पता है कि बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। जब ये चीज़ें आपको डोरस्टेप पे ही मिलने शुरू हो जाएंगी, तो एक बच्चों को एक तरफ से बढ़ावा दे रहे हो आप। जहां हम बोलते हैं कि आप IITs खुल रहे हैं, IIM खुल रहे हैं, हमारे NIT खुल रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, वहां पे बच्चों को साथ के साथ ये वाला तोहफा भी देना मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं है। इट्स नॉट, ये तोहफा नहीं है, इसको मैं बोलता हूं कि इस स्टेप को आप रोल बैक करिए, इस अपने डिसीजन को आप वापस लीजिए। कुछ और लोगों से बात करते हैं, वो उस पर क्या कहते हैं। सरकार जिस तरह से नई लीकर पॉलिसी के तहत जो है अमेंडमेंट करने की तैयारी में है, और उसके तहत डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो है वो बियर जो है वो सेल की जाएगी, उसके अलावा उसी तरह की और ड्रिंक्स भी सेल की जाएंगी। मेरे साथ दीपक जी हैं, वेयर हाउस ट्रेड फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। दीपक जी, सरकार के इस निर्णय को आप किस तरह से लेते हैं, क्योंकि इसका बड़ा ज़्यादा पोस्ट भी हो रहा है, कुछ लोग इसको अपने तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बाकी मेट्रो सिटीज़ में ऑलरेडी ऐसा हो रखा है। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, सरकार का ये स्टेप किस तरह का है जम्मू के लिए? देखो, ये तो साफ तौर के ऊपर है कि मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं उनको बढ़ाने की तरफ है। और मैं कहूँगा कि जिस तरह से ये वही फॉल करेंगे, जिस तरह से साफ तौर पे कहूँगा ये रिलायंस को अनुमति देने की बात है, क्योंकि ये मॉडल जो है वो रिलायंस का था। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने जो है रिलायंस को जो है हरी झंडी देने की बात कही है, और मैं समझता हूँ बाकी जो प्रोविजन स्टोर है शायद इसमें नहीं फॉल करें, और अगर फॉल करते हैं एक व्यापारी होने के नाते, लेकिन जो हम पहले भारतीय हैं और जम्मू कश्मीर के वासी हैं, और उसको देखते हुए हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। जम्मू का जो शहर है ये मंदिरों का शहर से जाना जाता है, और यहाँ पे हर एक गली मोहल्ले में मंदिर है, और जहाँ प्रोविज़न स्टोर है वहाँ मंदिर है। और मैं समझता हूँ जो हमारी संस्कृति है उसको ठेस पहुँचाने की बात कही गई है, और हम खुले लफ्ज़ों में इसका विरोध करते हैं। ऐसा वातावरण जो मैं समझता हूँ हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, हम उसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को एक लांचर लगाऊँगा कि गवर्नमेंट ने जो है बड़े बड़े मालों के लिए जो है ये परमिशन दी है, उनके हितों की रक्षा के लिए, और जिस तरह से वॉलमार्ट आए और रिलायंस आए और मेट्रो आए, इस तरह से जो इंस्टीट्यूशन जो है हमारे जम्मू कश्मीर में प्रवेश करें, उन लोगों के अंदर जो इन्होंने वो बात रखी है, जो नॉर्म्स रखे हैं, वे ये लोग जो हैं उनमें फॉल करते हैं, और इन लोगों के हितों के लिए जो है सरकार ने फैसला लिया है। कोई भी सरकार हो जो जम्मू के हितों की रक्षा ना कर सके, जो जम्मू के लोगों की भावना को ठेस पहुँचाए, हम उसके पूरे खुले तौर पर विरोध में हैं। चाहे उन्होंने व्यापार बढ़ाने की बात कही है, लेकिन शराब से अगर आप व्यापार को बढ़ाने की बात करेंगे, बियर से अगर व्यापार को बढ़ाने की बात करेंगे, तो व्यापारी वर्ग जो है उसके खास निराश है। ओह, जिस तरह से कल का ऑर्डर में देखा, और मैं बड़ा ये फील हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन से बैठे हुए लोग हैं, हम तभी कहते हैं कि जम्मू वाले होने चाहिए, जम्मू वाले होने चाहिए, जम्मू की संस्कृति पता होना चाहिए, टूरिज्म में जम्मू के लोग होने चाहिए, और भी जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं उनको यहाँ पे बैठे होना चाहिए, ताकि जम्मू की भावनाओं के ऊपर ठेस ना पहुँचे। ऐसा वातावरण जो है मैं चाहूँगा। इस समय फेस्टिवल सीज़न है, लोगों का काम जो है कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सरकार नहीं चाहती कि जम्मू के अंदर जो है ऐसी भावना रहे, शांति रहे और अमन चैन रहे। और मुझे लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं
वो कोई ना कोई शरारत करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस बात का जो है संकेत है या नहीं है। अगर संकेत है तो मैं समझता हूँ ये जो बात जो है कही गई है, और हर एक गली मोहल्ले में आगे आपने शराब की दुकानें खोली हैं, और उसके बाद हर एक प्रोविजन स्टोर में जो है बियर देने की बात कही है। हम इस व्यापारी वर्ग से ख़ास तौर पे पूरा निराज है, और हम जल्द ही अपने पूरे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक करेंगे और इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरा कोई भी प्रोविजन स्टोर वाला जो है इस बियर को जो है शराब को जो है नहीं बेचेगा, और ये साफ तौर लफ्ज़ों में मैं कह रहा हूँ। और ये बड़े बड़े मॉल्स को जो है परमिशन देने के लिए ऑर्डर को रेगुलेट किया गया है, और जो भी प्रोविजन स्टोर है मुझे नहीं लगता है कि 5 करोड़ की सेल जो कौन अर्बन कौन से गांव में किसी प्रोविजन स्टोर की होगी। 5 करोड़ की सेल वही फाल कर सकता है जैसे बिग बाज़ार है, जैसे रिलायंस है, जैसे वॉलमार्ट है, जहाँ और भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है जम्मू में आएंगे, तो उनको उनके लिए ऑर्डर जो है मॉडिफाइड हुआ है। हम सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन के बैठे हुए लोगों को चेताना चाहते हैं, और जिस तरह से अगर ये ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है हमारे जम्मू में आएंगे तो व्यापारी वर्ग जो है पूरा सड़कों पे उतरेगा, पूरा विरोध करेगा। इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम तैयार हैं। और मैं फिर एक बार फिर पुनः माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से अपील करूँगा, इस ऑर्डर को जो है वापस लिया जाए। हमारा जो शहर है वो जम्मू में मंदिरों के शहर से नाम से जाया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि लोग जो है हमारे शराबियों के शहर से नाम जाना जाए, ऐसा ना हो। धन्यवाद।